आज के समय में ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट का ही साधन नहीं है, बल्कि ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कमाई का सबसे शानदार जरिया बन गया है। यहाँ वीडियो के व्यू और सब्सक्रिप्शन के आधार पर क्रिएटर्स मोटी इनकम पाते हैं। लेकिन अब वीडियो क्रिएट करने के साथ ही क्रिएटर्स को कमाई का नया जरिया भी मिलने वाला है। दरअसल YouTube ने भारत में न्यू शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम शुरू कर दिया है और इसके जरिए क्रिएटर्स अपने वीडियो शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम में सीधे Amazon, Flipkart और Myntra सहित दूसरे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स का लिंक लगा पाएंगे, जिसके जरिए उन्हें कमीशन कमाने का मौका मिलता है। दरअसल Amazon, Flipkart जैसी कंपनियां बहुत पहले से ही एफिलिएट प्रोग्राम चलाती रही हैं। इसमें आपको सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर इनके प्रोडक्ट के लिंक शेयर करने होते हैं और आप इसे अगर शेयर करते हैं और आपके इस लिंक के जरिए कोई व्यक्ति इस प्रोडक्ट को खरीदता है तो आपको इसका फायदा होता है। ठीक इसी तरह यूट्यूब की इस पहल का भी उद्देश्य यही है कि क्रिएटर्स को ट्रेडिशनल एड रेवेन्यू, यूट्यूब प्रीमियम और ब्रांड कोलैबोरेशन के अलावा एक और इनकम का सोर्स मिल सके। इसके साथ ही ब्रांड्स की भी कोशिश होगी कि वे क्रिएटर्स के साथ मिलकर उनके व्यूअर्स तक आसानी से पहुंच सके। इस प्रोग्राम के तहत एलिजिबल क्रिएटर्स यूट्यूब स्टूडियो के जरिए शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में यूट्यूब के वीडियो शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम सहित सभी कॉन्टेंट फॉर्मेट में प्रोडक्ट को टैग किया जा पाएगा। इसके बाद व्यूअर्स टैग किए गए प्रोडक्ट को देख सकते हैं और उसके माध्यम से ई कॉमर्स वेबसाइट पर पहुंचकर उस प्रोडक्ट की खरीदारी कर सकते हैं। इस नए प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए YouTube में शॉपिंग के जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट ट्रेविस कैट्स ने कहा, 2023 में अकेले 30 बिलियन घंटे से ज्यादा शॉपिंग से जुड़े वीडियोस को YouTube पर देखा गया है, जो YouTube शॉपिंग की ग्लोबल सफलता, क्रिएटर्स, व्यूअर्स और ब्रांड को नए तरीके से जोड़ने की शक्ति को दिखाता है। YouTube का ये नया कदम प्रोडक्ट डिस्कवरी के लिए एक नया ऑप्शन देगा, जो पर्सनलाइज खरीदारी के माध्यम से क्रिएटर्स और व्यूअर्स के कनेक्शन को मजबूत करेगा। तो अगर आप YouTube पर कंटेंट क्रिएट करते हैं और आपके फॉलोअर्स की संख्या भी ठीक ठाक है तो आपको YouTube इस एफिलिएशन प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता देगा। इस प्रोग्राम के साथ ही हाल ही में YouTube ने अपने शॉर्ट्स के सेक्शन को भी अपडेट किया है। YouTube शॉर्ट्स पर वीडियो डालने वाले क्रिएटर्स को अब एक नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है और नए बदलाव के साथ शॉर्ट्स वीडियो की ड्यूरेशन को भी बढ़ा दिया गया है। ये बदलाव 15 अक्टूबर से लॉन्च भी हो चुका है। YouTube शॉर्ट्स को 2020 में लॉन्च किया गया था। यहाँ जो यूजर्स थे वो केवल 60 सेकंड तक का ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे। शॉर्ट्स क्रिएटर्स अब 15 अक्टूबर से 1 मिनट की बजाय 3 मिनट तक का वीडियो बनाकर अपलोड कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि ये वीडियो प्लेटफॉर्म के शॉर्ट्स रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में शामिल किए जाएंगे, जिससे फायदा क्रिएटर्स का, यानी क्रिएटर्स छोटी वीडियो बनाकर भी कमाई कर पाएंगे, यानी यूट्यूबर्स के लिए कमाई के कई नए जरिए खुल रहे हैं।